नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर आपका लेखपाल में कितनी जा सकती है मेरिट। दोस्तों देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा था कि कितनी जा सकती है सर इसमें मेरिट, आप ज़रूर बताइए। तो देखो ये दोस्तों, ये डाटा लिया गया है हमारा रोजगार विद अंकित ऐप के द्वारा। दोस्तों यह रोजगार विद अंकित ऐप में यहाँ पर दिया था, ये वोटिंग चालू हुई थी दोस्तों, वहाँ से यह डाटा लिया गया है और यह क्रेडिट उन्हीं को जाता है, यही वहीं से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया था कि सभी लोग वोट करिए, लाइक करिए, जिससे यहाँ पर पेट का स्कोर कंफर्मेशन हो सके। तो दोस्तों शाम 7 बजे तक यहाँ पर कहा गया था और उनका शाम के 7 बजे एक वीडियो भी आने वाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डाटा के साथ। दोस्तों यहाँ पर 77,000 लोगों ने दोस्तों अभी तक वोटिंग की है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर ये अभी डाटा थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये एक अप्रॉक्स बहुत काफ़ी हो जाता है इसको पता करने के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, 77,000 वोटिंग में दोस्तों यहाँ पर 41% वोटिंग आपकी 65 से ऊपर वालों की है दोस्तों, यहाँ पर बताई जाती है। देखिए अगर 65 से ऊपर वालों की अगर 77,000 में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 31,570 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 65 से प्लस स्कोर किए हैं दोस्तों, यानी 65 से प्लस आवा उनका 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है अप्रॉक्स, यानी 65 से प्लस ही है। और यहाँ पर दोस्तों 60 से 65 के बीच में दोस्तों केवल 14% अभ्यर्थियों का है, अर्थात यहाँ पर 10,780 कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों यहाँ पर जो 60 से 65% पा रहे हैं दोस्तों। और 55 से 60% अभ्यर्थियों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 16% है इनका मार्जिन, यानी दोस्तों 12,320 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 55 से 60 के मध्य पा रहे हैं दोस्तों। अब 50 से 55 के मध्य दोस्तों 15% ऐसे कैंडिडेट हैं, अर्थात यहाँ पर 11,550 ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो पा रहे हैं आपका 50 से 55% दोस्तों। इसके बाद फिर बात करते हैं तो यहाँ पर 14% है 50 से कम वालों की संख्या, वो आपका 10,780 ही कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह अप्रॉक्स डाटा लिया गया है 77,000 के में दोस्तों वोटिंग में अगर बात करते हैं, लेकिन अगर टोटल सीटों की बात करते हैं दोस्तों, टोटल सीट कितनी थी दोस्तों, तो यहाँ पर 20 लाख लोगों ने यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किया था, लेकिन 20 लाख में दोस्तों टोटल यहाँ पर परीक्षा देने नहीं गए थे, 16 लाख लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी, यानी 80% उपस्थिति रही दोस्तों, 20% अनुपस्थिति रही यहाँ पर एग्ज़ाम के समय दोस्तों। तो आपको बता दें कि अगर यहाँ पर 41% 16 लाख का निकाला जाता है तो दोस्तों 6,056 यहाँ पर दोस्तों 6,56,000 आपका हो जाएगा कैंडिडेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लेखपाल में लेना है आपका 1,18,000 समथिंग ही आपके कैंडिडेट, या 1,20,000 में मान लेता हूँ अप्रॉक्स, 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेटों को नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो आखिरकार यहाँ पर मेरिट क्या रखी जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लेखपाल के लिए दोस्तों बात करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितने भी कैंडिडेट 16 लाख में सभी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर जितने लोग पढ़ने वाले थे दोस्तों रोजगार विद अंकित ऐप से पढ़ने वाले थे, उन्होंने कमेंट किया, जो इसमें नए पढ़ने वाले थे ज़्यादातर उन लोगों ने यहाँ पर कमेंट नहीं किया है दोस्तों। मैं आपको बता दें कहीं और से तैयारी कर रहे थे कुछ, या नहीं कर रहे थे तैयारी, उन्होंने नहीं किया। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर नहीं वोटिंग किए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपका 60 से 65 के मध्य है, 60 से 65 लिख लीजिए आप दोस्तों, इसे आप बाद में देख लीजिएगा, 60 से 65 के बीच अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं दोस्तों आपका, देखिए अगर 65 से प्लस हैं दोस्तों तो आप एकदम सेफ स्कोर में जा रहे हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और EWS का अगर कैंडिडेट है तो वह 60 से 65 आप उन्हें को सेफ मान ले। वैसे दोस्तों यहाँ पर 60 से 65 एक जनरल में है तो आपने ये एक अप्रॉक्स मान सकता है कि लेखपाल के लिए आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अब SC कैटेगरी OBC की कैटेगरी की बात की जाती है, तो OBC कैटेगरी आपको यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट में भी हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 60, 62, 61 ऐसा कुछ आप मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर 60 से नीचे नहीं जाने वाली है, बहुत ज़्यादा होगा 58, 59 के आसपास रहेगा, इससे कम नहीं जाने वाला है। इसके बाद SC कैटेगरी थोड़े से ठीक ठाक रहेगी दोस्तों, यहाँ पर 55 से आपका हो सकता है 55 से 56, 57, 58 तक रहे दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं देखने पड़ेगा। और ये ST कैटेगरी दोस्तों आपका यहाँ पर 50 के आसपास, 50, 52, 53, 54 यहाँ 50 से 55 के मध्य रहने वाली है दोस्तों। तो यह कट ऑफ देखिए दोस्तों लेखपाल के लिए रहने वाली है, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं मिलाने के बाद दोस्तों तो आप कन्फर्म हो जाइए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग कर दोस्तों, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपको दोस्तों यहाँ पर लेखपाल की तैयारी के लिए वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जैसा भी आपको लगे दोस्तों अपना कमेंट करिए कितना स्कोर किया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।